हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी साइंस एकेडमी। सो आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन, अल्किन एंड अल्काइन कंपाउंड। ठीक है, अगर आपको कोई भी अल्केन, अल्किन या अल्काइन का कंपाउंड दिया जाता है तो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ करोगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने चार कंपाउंड लिया है। ओके, फर्स्ट इज मिथेन। ओके, सो यहाँ पर कैसे ड्रॉ करेंगे मिथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एक कार्बन है। ओके, ये रहा एक कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? फोर। तो हम फोर हाइड्रोजन को ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4। देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कार्बन, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? फोर होता है। तो यहाँ पर हम फोर इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4। ओके, देन नेक्स्ट हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा इनके पास। तो यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेंगे। ओके, हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर। ओके, देन नेक्स्ट अभी यहाँ पर देखिए, कार्बन को स्टेबल होने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? और चार इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन के पास ऑलरेडी चार इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए और चार इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, तो कार्बन क्या करेगा, सभी हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सभी हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेगा। तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट हाइड्रोजन को ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है स्टेबल होने के लिए। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सभी हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गए। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर मीथेन। ओके, देन नेक्स्ट सेकेंड इज C2H2, दिस इज इथाइन। ओके, सो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? दो कार्बन है, सो 1 2। हाइड्रोजन कितने हैं? टू हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन को भी ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अभी यहाँ पर देखिए कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4। ओके, सो 1 2 3 एंड 4। ओके, वैसे यहाँ पर हम 4 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 एंड 4। ओके, हाइड्रोजन के होंगे 1 इलेक्ट्रॉन। सो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। ओके, अभी यहाँ पर देखिए कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। ओके, और इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अभी देखिए कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, देन नेक्स्ट इस कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए इसके पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्या करेगा, इस कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से इस कार्बन ने भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर ली। ओके, दोनों कार्बन स्टेबल हो गए, दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन है। अभी हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है स्टेबल होने के लिए। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, वैसे ही ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, दैट इज C2H2। देन नेक्स्ट थर्ड इज C2H4। ओके, दिस इज इथीन। ओके, दो कार्बन है। ओके, एंड 4 हाइड्रोजन इज देयर। ओके, सो ये रहा 4 हाइड्रोजन। ओके, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, 4 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेंगे हम, 1 2 3 एंड 4। वैसे यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4। हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ओके, अभी यहाँ पर देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके, और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से शेयर करेगा और इन हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, सो इस तरीके से इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ओके, वैसे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से लेगा और एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेगा। ठीक है, तो इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, दोनों स्टेबल हो गए, दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है, दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन है। फिर हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, तो हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कार्बन से शेयर कर लेगा इस तरीके से। ठीक है, तो हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया।
ओके. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर C2H4. ओके, देन लास्ट एग्जांपल इज C2H6. ओके, दिस इज इथेन. ओके, सो यहाँ पर देखिए दो कार्बन है, हाइड्रोजन इज 6. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, 1, 2, 3, 4. वैसे यहाँ पर आ जाएंगे 1, 2, 3, 4. हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन. ओके, अभी यहाँ पर देखिए इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए. ये क्या कार्बन क्या करेगा, इन हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. ठीक है, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस तरीके से. ठीक है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के पास, 8 इलेक्ट्रॉन. मतलब ये कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, स्टेबल हो गया. वैसे ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है. ओके, और 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. फिर कार्बन क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा. ठीक है, ओके. तो ये कार्बन भी स्टेबल हो गया. अभी हाइड्रोजन को अपने ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है स्टेबल होने के लिए, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेंगे. ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथेन कंपाउंड. ओके, सो इस तरीके से आप किसी भी अल्केन अल्किन अल्काइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो. ओके, सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो. अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए.